Cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. मिता, देख तो कौन आया। देखती हूँ। मैसेज रिसीव्ड। थैंक्स। कागज क्या दम ही नहीं चल रहा? वरानी से सुधाकर बाबू खुद आए थे। तूने क्या बोला? वही जो तुमने कहा था, घर पे नहीं है। सुधाकर जी ने क्या बोला? ओ अच्छा, उनको फोन करने के लिए बोलिएगा। अगली किताब तो हम लोग ही छापेंगे ना। खाक छापेंगे। ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ उम्मीद से ही तो आए थे ना, और तुम तो मिली भी नहीं। बुके उस कमरे में लेके जा। क्यों? यहाँ तो अच्छा लग रहा है। इस घर में कौन सी चीज कहा रहेगी तू बोलेगी? कहीं जा रही हो? क्या हुआ, जवाब देने का मन नहीं है? सिगरेट का पैकेट उस कमरे से लेके आ जा। क्या हुआ, खड़ी क्यों है, गई नहीं? बुके, अजीब है। हेलो, कौन है, किस बारे में? हाँ तो मैं इंटरव्यू नहीं देती, नेवर, ओके?
क्या है ये? अरे गरम लग रहा, उतारो इसे जल्दी। मेक चैटर्जी की खबर तो देखो, कितनी बड़ी करके निकली है। वो तो लिखेगा ही, इतना बड़ा लिटरेरी अवार्ड कहाँ पे लिखा है? यही तो, ये देखो नीचे की तरफ। यहाँ पे लिखा है, दिस ओवन श्राउडेड विथ मिस्ट्री। अपॉइंटमेंट भी नहीं देती है, घर से भी नहीं निकलती है। यहाँ पे देखो ना लिखा है, दिस लिटरेरी वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्री एंड र्यूमर्स, वेदर मेक चैटर्जी विल एक्सेप्ट दिस अवार्ड और नॉट। मगर तुम क्या कर रहे हो? अरे अ स्मॉल रिएक्शन विल ऑल्सो डू ना। सोच रहा हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। खाक सोच रहे हो तुम आकाश बाबू, यूज योर चार्म। वन मिक्स पॉट, आई नीड टू फाइंड वन मिक्स पॉट। शी इज अ स्पिन्स्टर। व्हाट? इससे ज्यादा मैं और नहीं बता सकती। समझ गया, चाय पियो, ठंडी हो रही है। मन में बादल छाए सोचो हर पल, तुम बिन क्या होगा कल। सारे रंग है फीके आसमां, तू मेरे साथ चल। आज दिल चाहे प्यार तेरा, बदले में ले लो ये प्यार मेरा। समझो ना मेरे बात, मुश्किल में रहेंगे साथ। मन में बादल छाए सोचो हर पल। सॉरी सॉरी। मन के दरवाजे बंद थे कभी, जितना था दर्द वो आज है नहीं। मेरे इस दिल में रंग है तेरा, जिंदा हूँ तेरे लिए दावा है मेरा। मिले हैं नई आशा, मिल गई है नई दिशा। मन ने बादल छाए सोचो हर पल, तुम बिन क्या होगा कल। सारे रंग क्या चाहिए? मिक चैटर्जी हैं, उनको एक बार बुलाएंगी? आपकी तारीफ? आकाश मित्रा, जर्नलिस्ट। वो जर्नलिस्ट से बात नहीं करती।
पता है मुझे, पर उनसे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। नहीं होगा। एग्जीबिशन के लिए एक नाम सोचना। नाम? कैसा नाम? प्रोवोकेटिव, माने गरम गरम। साफ हिंदी में ऐसा कुछ जिससे तहलका मच जाए, बहुत बातचीत हो, न्यूज छपे, ऐसा कुछ। समझी। आकाश को बोलूंगी इस बारे में। कैसा चल रहा है? हाँ क्या समझना नहीं पा रही हो या समझना नहीं चाहती? ओह, तो बहुत क्यूरियसिटी हो रही है ना? नहीं होगी? अच्छा ठीक है, बोल क्या जानना है। साइज क्या? अच्छा बाबा सॉरी, दोबारा नहीं पूछूंगी। सर दर्द कर रहा है बहुत। कैसा दिखने में है वो लड़का? अच्छा है। अच्छा है, ये कोई जवाब हुआ? अरे बाबा बोलना अच्छे से, लंबा या नाटा, पतला या मोटा, बाल है या नहीं, वो सब तो बोल। उतना कुछ नहीं देखा, सब मिलके अच्छा ही था। नहीं देखा बोलने से तो होगा नहीं, देखा ही होगा, नहीं तो सुबह से उस लड़के का नाम नहीं लेती। तुम भी ना सब कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलती हो। लग रहा है, धीरे से कर। बढ़ा चढ़ा के का क्या है? अच्छा हुआ देखा, आने पर ही देखना, हम भी देखते। वो लड़का फिर से आएगा। क्यों, तुझे प्रॉमिस किया है? नहीं, पर उसके बर्ताव से ऐसा लगा तुमसे बिना बात किए छोड़ेगा नहीं। अरे सुन, वो लड़का जब फिर आएगा तो मुझे दरवाजा खोलने देना। तो उस कमरे से सिगरेट का पैकेट लेके आ। आकाश, ना कोई होमवर्क ना और कुछ, ऐसे ही चला गया। क्यों, क्या हुआ? अरे इसके बाद तो तुझे घुसने ही नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी, जाके देख। तुम लोग रुकोगे? आकाश, तुम्हें क्या लगता है, ऐसे तुम आगे बढ़ पाओगे? या आई एम क्वाइट सर्टेन अबाउट दिस। इतनी सर्टेनिटी किसमें है तुम्हारी? एक लीड चाहिए प्रभात दा, जस्ट वन लीड। लीड? कैसा लीड? सुना है वो सिर्फ लिखती है, और क्या क्या करती है वो तो पता नहीं। देखो वैसे उनके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। अच्छा रुद्र भैया, मैं क्या उनके घर में नौकरानी बन के नहीं जा सकती? खाक जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी। कुछ आता है तुझे? हाँ, खाना पकाना आता है, घर साफ करना आता है, गैस जलाना भी तो नहीं आता है, नौकरानी बन के जाएगी तो क्या हुआ, एंट्री लेने से ही तो मतलब है। She will be kicked out of the room, you know. सुना है वो शक्ति चट्टोपाध्याय जी का कविता पसंद करती है। अच्छा, कहीं पे पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है। हाँ, और फूल रजनीगंधा। टेरिबल। शक्ति चट्टोपाध्याय, क्वाइट स्ट्रेंज है। कविता उन्होंने लिखी नहीं कभी, और लिखी भी तो मुझे पता नहीं। उन सब से मेरा कोई मतलब नहीं, असली चीज है स्टोरी। स्टोरी इज द मेन थिंग आकाश, आई नीड इट एट एनी कॉस्ट। एकदम जड़ से शुरू करना पड़ेगा, शुरू से लेके अवार्ड मिलने तक। कविता कभी पढ़ी है आकाश? शक्ति, सुनील, जॉय, पढ़ी है कभी? अभी भी पढ़ता हूं। थोड़ा सा शैतानी कर पाओगे? शैतानी क्या? एक आइडिया आया है दिमाग में। कैसा आइडिया, सुनाइए सुनाइए प्रभात दा, कैसा आइडिया? सुनोगे तो जरूर, पर
एक स्कॉच होता तो अच्छा होता। मंगाओ ना एक अच्छा सा स्कॉच। शुरू हो गया। याद है अभी भी पहली बार जब उसको देखा एकदम से याद है। दरवाजा खोलने से पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था खोलने के बाद ऐसा लग रहा था ना खोलने से ही शायद अच्छा होता। बंद करने के बाद ऐसा लगा क्यों बंद किया, कान में तब भी हेनरी की बातें गूंज रही थी। मैं तो मिलूंगी ही, उस दिन ही उसको पता चल गया था दरवाजा तो उसको खोलना ही था। उसके साथ दूसरी बंद की हुई खिड़की मन का और शरीर का। मैं हूं आकाश, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, आ सकता हूं? इस तरह से क्या बिना पूछ के आना और चर्चा करना दोनों ही करते हैं? थोड़ा बहुत कह सकती है। और बाकी सब? रजनीगंधा की खुशबू क्या फीकी पड़ जाएगी? कौन था इस रजनीगंधा के पीछे, कौन था इस रजनीगंधा के सामने? रजनी के इतने सारे फूल फीके पड़ जाएंगे? मोबाइल को लेके क्या ऐसे ही खेलने की याद आता है हर वक्त? सेलफोन का एक अच्छा खासा सेक्सुअलिटी है, इसलिए हाथ में रहने से इसे खेलने का मन करता है। वो कविता क्या याद थी या मुझे इंप्रेस करने के लिए याद करके आए थे? इसमें एक चटकदार बात थी। इसका मतलब ये नहीं सोचना कि इसलिए मैंने तुमको इस घर में आने दिया। फिर पानी? नो थैंक्स। तकलीफ हो रही थी? तकलीफ? सुना है दिन में रजनीगंधा को हाथ में लेकर सब श्राद्ध में जाते हैं, कोई अपरिचित महिला को देते हैं ये नहीं जानती थी। आपको पसंद है इसलिए? इंटरव्यू में मैं हर समय सच नहीं बोलती, जहाँ पढ़े हो वो सब बना के बोला है। आप बहुत ही डिफिकल्ट हो। सच में? एज ए पर्सन क्या करोगे तब? वही सोच रहा हूँ।
ओके, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रहा था आप अगर थोड़ा टाइम देंगी तो। तुम सोच लो क्या करोगे, सोचोगे या मेरे साथ बात करोगे? बात करने के लिए ही तो आया था। मुझे लेकर कोई स्टोरी बनाना चाहते हो? मैं जो बोलूंगी जैसे बोलूंगी एकदम वैसे ही करना पड़ेगा। ओके ओके नहीं, बोलो। अच्छा, ये चलेगा तो? क्या है ये? रिकॉर्डर। छापने से पहले पूरी स्क्रिप्ट मुझे दिखानी पड़ेगी। पूरा ट्रांसक्रिप्ट आपको पहले मिल जाएगा। क्यों, कागज बिक नहीं रहा? नहीं, आपके बारे में सभी जानना चाहते हैं। देखो, पूरा इंटरव्यू खत्म ना होने तक तुम एक लाइन भी नहीं छापोगे, और मैं जब भी बुलाऊंगी तभी आना पड़ेगा, आधी रात में भी। आ सकते हो। But how can you let this happen, Akash? क्या करे? Do I have any other choice? Of course. You could have just walked out. No way. Last 5 साल से कोई भी रिपोर्टर कोई इंटरव्यू नहीं ले पाया। She is the leader of Phenomena, by the way. 5 लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन है। अवार्ड मिल रहा है। That is for the sensationalism of Korean depiction of sex and crime. ये ठीक नहीं है वृष्टि। देखो, क्राइम और पैशन को कितनी ऊंचाई पे ले गई है वो। Literally. और रुद्रोदा की ये स्टोरी मुझे करनी ही पड़ेगी। वही तो प्रॉब्लम है। क्या? वो औरत तुम्हारी वो डेस्पिरेशन समझ गई है, इसलिए तुमको लेकर खिलवाड़ कर रही है। देखते हैं। ठीक नहीं हूं, मन ठीक नहीं है, जैसे कुछ सारा दिन मन को अंदर से तड़पा रहा है। बाहर आना चाह रहा है पर नहीं आ पा रहा। तुम्हारा स्लिम बैग, तुम्हारा आईफोन, तुम्हारा टी शर्ट सब मुझे चाहिए। और हेनरी, तुम्हें भी। अच्छा नहीं लग रहा, तू मेरे लिए थोड़ा जीन लेके आ। कल रात से कुछ नहीं खाई और अभी शराब पियोगी? लो पियो। अरे लो ना। अब तो दे, थोड़ा कुछ खा तो लो। तू यहां से जा तो? ज्यादा दादी मत बन। ठीक है, ये उधर, इस पेंटिंग को उधर लगाओ। और ये? फाइन। और वो? थोड़ा दाहिने ले, थोड़ा और। हाँ हाँ, बस बस। सुना है मेघ चैटर्जी यंग लड़कों पे बहुत नजर डालती है। आकाश को संभल के रहने बोलना। आकाश, उसको लेकर तू चिंता मत कर, तू इसे जानती नहीं है।
वो इतने डिफिकल्ट क्लाइंट लोग को हैंडल करता है, ही नोज हाउ टू हैंडल। वो औरत काफी चालू है। ऐसा क्या? तू इतना कैसे जानती है? सुना है वो तो किसी से बात भी नहीं करती है, अब बहुत ही रेक्लूज। क्यों, उसकी किताब नहीं पढ़ी? ना, वो सब बुक टुक पढ़ना मुझे एकदम भी पसंद नहीं है। और आकाश मुझे एक बुक लाके दिया था, बट नाम देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना इंटेलेक्चुअल। क्यों, क्या नाम है? कृतोदास कृतोदासी। और उसके पहले वाला तो बिल्कुल स्कैंडलस है। क्या, हिंदी नॉवल का नाम? और नहीं तो क्या। और जो लिखा है ना, एक्सपीरियंस के बिना कोई ऐसा कुछ लिख सकता है? चल उधर देखकर आते हैं। तुम आगे बढ़ते रहो मामू, मेरे को समझ में आ रहा है, मोम पिघल रहा है। वो बहुत ही चालू है। अरे तो क्या हुआ, टाइम तो दिया है ना तुझे, बस अब सेटल कर ले। खर्चा पानी दो, वो नहीं मिलेगा तो जाएंगे कैसे? खर्चा पानी, खर्चा पानी सब प्रभादा। जो जानना है सब प्रभादा। अच्छा अच्छा, उनकी सब किताबें तुमने पढ़ ली है ना? हाँ पढ़ी है। बस हो गया, जस्ट लूट ले। ऑल वी नीड इज अ कॉन्ट्रोवर्सी, दिस शुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। कोशिश कर रहा हूँ, अगले बुधवार बुलाया है। ओके यू कैरी ऑन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ओके थैंक यू। अनुभव, अनुभव के अलावा साहित्य नहीं होता, और उपन्यास तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या, कल्पना? अनुभव एक जड़ और कल्पना उड़ान, इन दोनों के मिलन पे ही रंग चढ़ता है। आपके साथ बात करने से ही पता चलता है कि आप साहित्यिक हैं। खाक पता चलता है। क्या? मैंने, ये तो साहित्य की भाषा है। देखो मैंने जब तय किया है तुमको सब कुछ बोलूंगी, तो सब खुल के ही बोलूंगी। पर मेरी सारी बातें तुम लोग कागज में छाप सकोगे? फाइनल अप्रूवल तो आप ही देंगे, बिना अप्रूवल के तो हम छाप नहीं पाएंगे। और अगर नहीं छापने दे तो? क्या ये भी हो सकता है? अगर मुझे अच्छा ना लगे? स्टोरी लाइन, तुम्हें अभी भी अच्छा लग रहा है? मन को भाग गया? आखिर में क्या होता है देखते हैं। असल में हर कैरेक्टर की एक अलग ही पहचान होती है, आखिर में वो लोग लेखक की बात नहीं सुनते हैं। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। समझने की जरूरत नहीं, सवाल करो। आपके सारे उपन्यास क्या अनुभव के ऊपर है? कह सकते हो। सच मानो तो अनुभूति के अलावा मुझे लिखना नहीं आता। जहां अनुभूति नहीं है वहां पैदा करनी पड़ती है। समझा। कुछ नहीं समझे तुम, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो सिर्फ मिट्टी लगा रही हूं, रंगना तो अभी बाकी है। हाँ
आप अभी क्या कुछ नया लिख रही हैं? कोशिश तो कर रही हूँ बहुत, पर हो कहाँ रहा है। ये जो तुम्हारे साथ इतना बकबक कर रही हूँ, लिखने का टाइम कहाँ है? I'm so sorry. अच्छा, तुम जो मुझे लेके एक स्टोरी बनाओगे, उसके लिए कुछ होमवर्क किया? हाँ, हाँ किया है ना। जैसे? जैसे बचपन आपका बाहर में गुजरा है, स्कूल लाइफ ज्यादातर कलकत्ते में, कॉलेज प्रेसिडेंसी, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। वाह, एकदम से याद करके आए हो, ग्रेट। इसके बाद? इसके बाद साहित्य चर्चा आप देर से शुरू किए हैं। सन 2000 में आपका पहला उपन्यास। बाय द वे, आई एम सॉरी, किताब के पीछे जो ब्लॉग है मैंने बस उतना ही पढ़ा है, बाकी बातें तो आपने छुपा कर रखी है। अच्छा, मेरे जीवन को लेके तुम लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? सुनील दा को लेके तो इतना नहीं होता? सुनील दा तो खुल्लम खुला सभी बोल देते हैं। ना सॉरी, पूरा नहीं, आधा बोला है। अच्छा, एक महिला साहित्य को लेकर तुम लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? नहीं ऐसे हमारे 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 साहित्य होंगे बहुत दुख भरे, हमारे ना पाने की भाषा होगी बहुत ही सुंदर, क्यों? नहीं वो बात नहीं। सुनो, ज्यादा चालाकी मत करो, तुम जानते हो अगर मैं चाहती हूँ तो तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। तुम हंस रहे हो? नहीं ऐसे ही। उमर को मुट्ठी से मुक्त कर दो, उड़ा दो अपना हाथ, मेरे अंदर जो लोहा है गल जाए। तुम ही हो प्रेमिका, तुम ही हो भोग, तुम ही हो पूरा प्यार। वो हाथ, वो मुट्ठी, वो बचपन का अधूरा प्यार, जिंदाबाद। समझे क्या कविता का अर्थ? क्या मास्टर प्रश्न, बैड हैबिट। सीधी बात में हैंडलिंग, अपना हाथ। अच्छा, एक महिला अगर ये लिखती तो तुम लोग पढ़ते? ये महिला कभी नहीं लिखेगी, चैताली दी जैसे दो एक को छोड़ के। मेरा लिखना ये लिमिटेशन नहीं मानता, मेरे लिखे में गाली है, शरीर है, बहुत ज्यादा भोग है। इसके लिए मेरे सारे कैरेक्टर्स खून करने के लिए भी राजी है, और इसके लिए ही इतनी क्यूरियोसिटी है ना हेनरी? हेनरी, आज बहुत हो गया और अच्छा नहीं लग रहा, अब जाओ। थोड़ा और टाइम दीजिए ना। मुझे रिक्वेस्ट मत करो, मैं किसी की बात नहीं सुनती, मेरी बात लोग सुनते हैं, तुम भी सुनोगे। ओके, तो क्या अगले बुधवार? फोन हर वक्त ऑन रखना, मैं तुम्हें बुला लूंगी। अंदर से मैं अपना बैग ले आ सकता हूँ? प्लीज। सुनो, हाँ, अगले दिन ना कुर्ता पहन के आना, ये डेनिम शर्ट मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। कुर्ता क्यों नहीं है? है फिर? पर पहनोगे? पजामे का नाड़ा खोलने में मुझे अच्छा लगता है। अरे क्या हुआ, क्या? छोड़ो, अरे अरे क्या हुआ आज तुम्हें? क्यों ऐसे पागलों की तरह क्यों कर रहे हो? पहले तो कभी किया नहीं। कुछ भी नहीं,
बोलो ना, मैं जानती हूँ तुम जब से उस औरत से मिलकर आए हो खोए खोए से हो। शी इज अ बिच, टोटल बिच। ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी औरत के बारे में। हर वक्त ह्यूमर करती है। क्यों, तुम्हें हर्ट किया है? हमेशा टेढ़ी बातें करती है। फीलिंग लाइक ड्रॉपिंग द स्टोरी। आर यू मैड? डोंट बी अ फूल। इतनी बड़ी स्टोरी और इसके अलावा सेलिब्रिटी लोगों को तो थोड़ा बहुत बहाना होता ही है। और रिंकी मुझे बोल रही थी वो औरत थोड़ी पावर्स टाइप है। सारी जानकारी हासिल कर ली है? करनी पड़ती है आकाश बाबू, मुझे जानना होगा ना दैट यू आर इन सेफ हैंड्स और नॉट। तो क्या लग रहा है? लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मगर तुम संभाल लोगे। वीकनेस? किसके ऊपर? तुम्हारी, उस औरत के ऊपर। दैट कौन सी औरत? दैट मेक चटर्जी। उसके ऊपर मेरा वीकनेस क्यों रहेगा? अच्छा, हो तो सकती है। इसके अलावा मेरे मन में बहुत बहुत कुछ आ रहा है, शायद मैं तुम्हें ठीक से बता नहीं पा रही हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। इनसिक्योरिटी? ना आकाश बाबू, मेरी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि तुम मुझसे और प्यार नहीं करते, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू लीव। लेडीज फर्स्ट। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मैं सुबह ज्यादा कुछ नहीं खाती। ब्रेड, एनीथिंग यू लाइक, जूस। ओके ओके ओके, थैंक यू। मैं जो इतनी पगली टाइप की हूँ वो जरूर तुम अब तक समझ गए। असल में बचपन से ही मैंने जब जो चाहा वैसा ही किया। जब मैं 5 साल की थी तब मेरी मम्मी डैडी में डिवोर्स हो गया था। मौसी के साथ मैं कलकत्ता चली आई। उसके बाद से ही माँ के साथ क्यों नहीं रहती है? वो जो बोला ना, मुझे मौसी के साथ कलकत्ता भेज दिया। माँ ने क्यों अपने साथ नहीं रखा वो अब तक समझ नहीं पाई। सोचा होगा मेरे कलकत्ता में रहने से अच्छा होगा, वहाँ पे चाइल्ड मेंटर के साथ। पर मैं यहाँ अच्छा इंसान नहीं बन पाई। ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे, अगर अच्छा इंसान होती तो क्या साहित्यिक बनती? क्यों? तब तो इतने दिनों में शादी करके बच्चा पैदा करके मोटी हो जाना चाहिए था, वो क्या कर पाई? नाकामयाब? नहीं जानती, तुम्हें बोल तो दिया पर मैं नहीं चाहती थी ये सब झमेले मेरी जिंदगी में आए। क्यों कह रही है ऐसा? झमेले नहीं, वरना तुम्हारे साथ ऐसे बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकती थी। एक बात पूछूं आपसे? आपने कभी किसी से प्यार किया है? ये शायद तुम्हारे ऑफिस से बोला गया है कि मेक चैटर्जी के लव लाइफ के बारे में जानने के लिए। ये रख दीजिए। अगर आप चाहती हैं तो रिकॉर्डर ऑफ कर सकता हूं। और कान? बताना नहीं है तो मत बताइए। रोज ही प्यार में पड़ती हूँ नए से।
वजह से तुम्हारे प्यार में पड़ गई। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो आज। क्या लग रहा है पता है? सुंदर तुम्हें लोग बोलते हैं, तुम तो सुंदर हो। पीछे के सब पेड़ से पत्ते झड़ गए, पत्ते के हरे पेड़ पे, फूल पे, कोई आया है लेने के लिए कुछ अपने हाथ पे। वो हाथ इंसान के नहीं, पास के भिखारी नहीं। पेड़ मांगता है अपना पानी, बादल चाह रहा है बारिश। चाह के देखता है आकाश हुआ है नील। ये लो। शक्कर नहीं मिलाई? ओहो, ला रही हूं। छोड़ो। क्यों? वो औरत मेरे बारे में कैसे जानती है? कौन? तुम्हारे बारे में कैसे जान सकती है? उनको तो मालूम नहीं होना चाहिए। तो फिर वो लाइन उन्होंने कैसे लिखी? कौन सी लाइन? वही एक कविता, बैक डेटेड टाइप की। बादल चाहिए, बारिश चाहिए। ओ गॉड, बृष्टि, ये शक्ति चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। तो उनकी क्या और कोई कविता नहीं है? यू आर रीडिंग टू मच इनटू द लाइंस। नो आई एम नॉट, आई एम जस्ट गेटिंग नेगेटिव वाइब्स। आकाश, कम ऑन, मैंने क्या किया है? मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? या आई शुड हैव शेयरिंग एवरीथिंग विद यू। या राइट, ठीक है, इसके बाद और कुछ शेयर मत करना। मैंने क्या किया है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? Why are you hampered by this woman? It's not about her. अच्छा, तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो? She's controlling you. Controlling me? Are you joking? If you deny, मुझे और कुछ नहीं कहना। Only time will tell. क्या समझे? आपको क्या लग रहा है? पहले रुद्रो को पढ़ने दो। अच्छा ही है, पर और मसाला चाहिए। और कुछ स्टोरी दे। थोड़ा पर्सनल बनो आकाश। वो औरत क्या तुम्हें चाहती है? कुछ भी बोल देते हैं आप। मेन चीज क्या है देख, लोनली है ना, इसीलिए लड़कों को देख के खुजली हो जाती है। तुम आगे बढ़ते रहो, नो टेंशन। थोड़ा डिस्टेंस रख के आगे बढ़ो बस। लाइफ स्टोरी बनाओ आकाश, लाइफ स्टोरी। लाइफ स्टोरी जैसे दुख, गम, इनसिक्योरिटी, जेलसी। आजकल राइटर लोगों को जो होता है, कम से कम 4 इंस्टॉलमेंट सोच के रखो, संडे का सप्लीमेंट। ट्रू। या आओ धीरे से। खड़े क्यों हो, बैठो। साथ में बैठ के बात करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होती है? मेरे को तो होती है। बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बदमाशी में नहीं। या अभी अच्छा नहीं लग रहा? आप भी ना, आपको तो कविता पसंद है, तो आप लिखते क्यों नहीं? बात क्यों घुमा रहे हो?
अभी मन नहीं कर रहा? क्या कविता? नहीं बदमाशी। आज बहुत बादल छाए हुए हैं ना? हाँ हुए हैं। अच्छा है तो? आप यहीं पे रहेंगी या नीचे जाएंगी? क्यों, बारिश से डर लगता है? बारिश से क्या डरना? अगर सच में तुम्हें बारिश से डर लगता है तो फिर क्या ये आपकी कविता की लाइन है? तुम तो जानते हो हेनरी, मैं कविता नहीं लिख सकती। आप मुझे बार बार हेनरी क्यों बुला रही है? ये हेनरी कौन है? तुम हो। मैं कैसे हेनरी हो सकता हूँ बताइए? तुम्हारा नाम तो नहीं बोला, तुम ही हो हेनरी। आप भी ना कुछ भी बोल देती हो। अच्छा, दाहिने हाथ में घड़ी क्यों नहीं पहनते? मैं बाएं हाथ में घड़ी पहनता हूँ, देखिए। एकदम बचपन से तुम अपना नाम बदलना चाहते हो, नहीं कर पाए। मुझे पता है मेरा नाम बैकडेटेड है, मगर नाम चेंज करना नहीं, वैसा चाहते थे पर नहीं कर पाए। अच्छा आकाश, एकदम आखिरी वक्त पे, ठीक अर्गाजम के टाइम पे, तुम अपने प्रेमिका को कभी किस नहीं कर पाए? सुनो हेनरी, अपने आप को और छुपाओ मत, समझे? मैं तुम्हारी एक पागल दोस्त हूं आकाश अंधकार में, तुम मुझे एक रोशनी का हार लाके दोगे। अच्छा आकाश, अगर मैं यहां से गिर जाऊं तो तुम पकड़ लोगे ना? क्या बोल रही है आप? कोई देखे? अरे क्या कर रही है आप? एक धूप और एक छाँव खेल रही है छुपा छुपी, एक धूप और एक छाँव खेल रही है छुपा छुपी। इस दिल में थोड़ा सा डर, पर किसी की परवाह नहीं। अपना है ये शहर, अपना है ये दोपहर, अकेला मैं and the songs of सुख। देखो मैं हूँ बस यही, एक सच और एक झूठ, पर किसी की परवाह नहीं। थोड़ा दर्द थोड़ा सा सुख, देखो मैं हूँ बस यही। बाद में बताया जो पहले क्यों छुपाया, वो अकेले तुम and the songs of silence। पहले तुम गए कभी, उस दिशा में तुम्हें ले जाए, चलो भागे आज भी। नीला आसमां है
है जहाँ पहले तुम गए कभी। दिल में मेरे ये जहाँ, दिल की बात लिखो कहाँ, अकेला मैं एंड अ सॉन्ग्स ऑफ साइलेंस। अरे तुम कब आए? अभी अभी चाबी लेके गए थे, सुनाई नहीं दिया। जाओ फ्रेश होके आओ, एक साथ बैठकर चाय पियेंगे। जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। जाओ ना प्लीज, फ्रेश होके आओ। सोच रहा हूँ असाइनमेंट छोड़ दूँ। कौन सा असाइनमेंट? मेक चैटर्जी। क्यों? ओ समझ गई, आज फिर से कुछ बोली है। नहीं ये तो अब आदत सी पड़ गई है। इमोशनली बहुत ड्रेन्ड, ऊपर से कुछ और ही होने जा रहा है। क्यों हिंट दे रही है क्या? तो तुम छोड़ोगे क्यों? सब छाप दो, एक्सपोज हर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद? उसके बाद क्या, आई गेस हमारी ये दुनिया विल बी बेटर आफ्टर हर। वो औरत एकदम नॉर्मल नहीं है, मुझे हेनरी कह के बुलाती है। मैं हूं उसका हेनरी और मुझे अपना नाम याद नहीं है। ब्रिलियंट। स्ट्रेंज ना, तुम अपना नाम ही नहीं जानते हो। इसके बाद देखोगे एक दिन तुम्हें सॉफ्ट स्टोरी सुनाएगी। मैं जब अमेरिका में पढ़ती थी तब हमारे एक प्रोफेसर थे, ओ हेनरी, टॉल फ्रेम, सो हैंडसम। और बाद में पता चलेगा कि वो गे था। हेनरी, तुम्हारी प्रेमिका जानती है कि तुम मेरे साथ ऐसे वक्त बिताते हो? Are you kidding? पागल है क्या? मैं तुमको पसंद हूँ हेनरी। अचानक ये सवाल? बात मत घुमाओ, जवाब दो वरना हम आते। किस लिए आते हो तुम? अगर तुम मुझे प्यारी नहीं करते हो आओ मेरे पास आओ। भिगा दो मुझे। हेलो, अभी टाइम मिला आने का? क्या करती बोल, वो अभी ऑफिस से आया। हाँ हाँ समझती हूँ, बिजी आदमी हो, इम्पोर्टेंट काम होगा। ओ हाय, दिस इज द पेंटिंग आई डिड। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। दक्षिणेश्वर मंदिर। एक्सक्यूज मी, आई टेक अ कॉल। हाय, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। सी, दिस इज वन ऑफ द पेंटिंग बाय रिंकी। कहाँ हो? मैं एक आर्ट गैलरी में, मेरी गर्लफ्रेंड क्यूरेटर है वहाँ की, दैट्स व्हाई। क्या नाम है उसका? वृष्टि सेन। कल आ रहे हो तुम? कल? परसों जाने वाले थे ना। क्यों, बहुत बिजी? यू लाइक इट? प्लीज कैरी ऑन। रात में?
डिनर? ओके आई विल बी देयर। ओ या ओके। किसके साथ डिनर का प्लान हो रहा है? वो ऑफिस का यू नो। तुम इधर टाइम वेस्ट कर रहे हो और उधर अजय और रिंकी कब से वेट कर रहे हैं। चलो अजय वो अग्रवाल। हाँ। उसे तो सिर्फ लड़कियों से मतलब है। माइंड योर लैंग्वेज। वो यहाँ पे क्या कर रहा है? पेंटिंग खरीदने आया है, चलो ना। मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त मुझे पसंद नहीं करती है। किसकी बात कर रहे हो तुम? रिंकी? अरे वैसे थोड़ी बड़बोली, थोड़ा ऐसे ही सबसे बात करती है। तो फिर इतना इनक्यूसिवनेस किस लिए? ये तो जाहिर है, तुम मेक चैटर्जी की स्टोरी कर रहे हो। तो फिर इतने क्यूरियसिटी किस लिए? वो तो होगा ही, वो इतनी फेमस है, उस पर वो इतनी रेक्लूज है, इंटरेस्ट तो सभी का है। मान लिया, पर रिंकी ने मुझे ऐसा सवाल क्यों किया? कहीं भी कुछ भी कह देती है। हंसी आ रही है तुम्हें? अरे बाबा, why are you taking her so seriously? If I ask you one question, why is Rinki sleeping with Ajay tonight? Then what? No, she's not. I know her. I know Ajay better than you. So chill. Maybe. But I know my friend better than anyone. हाँ हाँ बताओ क्या हुआ? कहाँ हो तुम? मेट्रोपोल होटल में हूँ। मेट्रोपोल में क्या कर रहे हो? अरे बताया था ना, वो ऑफिस ऑफिस की पार्टी है। तुम वेट मत करो, सो जाओ, डिनर करके सो जाओ, मेरे पास चाबी है, मैं आ जाऊँगा। अच्छा अच्छा, तो कौन कौन है वहाँ? सभी हैं? रुद्र भैया है? अरे सभी है यहाँ पे, रुद्रदा भी है। अच्छा बाबा ठीक है, मगर तुम ज्यादा ड्रिंक मत करना, ठीक है? ओके प्रॉमिस कर रहा हूँ, ज्यादा ड्रिंक नहीं करूंगा। ओके ओके गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगी? क्या? कैसे उपन्यास की आइडिया आती है आपके दिमाग में? उसके पहले मुझे एक बात बताओ। क्या? कल तुम लोग प्यार कर रहे थे? क्यों? ऐसे सवालों के जवाब होते हैं? I just can't believe it. मैं एक बात बोलूं? क्या? कहानी के लिए कहानी नहीं लिखी जाती। तो फिर शंकर घोष कैसे कविता लिखे? जय गोस्वामी का गुसाई बागान? आखिर का तो पोस्टमार्टम। और शंकर घोष की बात बोलो तो वो कर सकते हैं, मैं नहीं। रुद्र भैया। अरे बृष्टि क्या खबर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो घर में कब बुलाएगी? मैं तो सोचती रोज ही बुलाऊंगी, इस आकाश की वजह से नहीं बुला पाती, रोज इतना लेट से आता है। पता है मुझे, वो शायद अभी तक नहीं लौटा। क्या ठीक कहा ना मैंने? हाँ एक्चुअली उसका फोन भी नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। आप क्या जानते हैं वो कहाँ है? क्या? वो तो शाम को ही निकल गया। हाँ कह रहा था कि कहीं पे जाएगा। तुझे पता है ना, मेक चटर्जी को लेके वो एक स्टोरी बना रहा है, एकदम फर्स्ट ऑफ इस काइंड, इसीलिए शायद फंस गया। रात तो बहुत हो गई। अच्छा रुक मैं देख रहा हूँ। ना आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखती हूँ, वो शायद फोन साइलेंट कर दिया है, करेगा मुझे कॉल बैक। हाँ, फिर भी ना ठीक है, आप टेंशन मत लो, वो आने से मैं आपको कॉल करूंगी। मेरे लिए कहानी एक लंबा सफर है, सिम्फनी के जैसे, जिसके अंदर में एक मेलोडियस दुख है जिसको पहचाना जा सकता है पर पकड़ा नहीं जा सकता। मैं समझा नहीं। समझा नहीं जाता हेनरी, अनुभव करना पड़ता है, उसके लिए मन जरूरी है और सबसे ऊपर लगता है शरीर। एक उपन्यास के लिए लगता है एक नारी और पुरुष का मिलन, वो एक
नारी और नारी में भी हो सकता है और एक पुरुष और पुरुष में भी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कामना, बहुत कामना जरूरी है। ये जैसे अब मुझे हो रही है। Excuse me, just a minute. Hello? Rinky, please come right now. अच्छा, तू इतनी श्योर कैसे हो सकती है? I'm very sure. He's lying to me. अरे यार, झूठ बोलने का ये मतलब नहीं that he's sleeping with another woman. I'm not saying that. I'm not saying he's sleeping with another woman. मगर मैं जानती हूँ, वो उस औरत के ही साथ है। मुझसे झूठ बोला। मुझसे छुपा रहा है वो। Must have been scared. तू गुस्सा हो तो। और एक बात। Now what? I slept with Ajay last night. What? Why? How could you? क्या करती यार, we all have compulsions. Paintings मुझे बेच नहीं थे. Too much at stake. घर जाओ। यहाँ पे क्यों सो रहे हो? सॉरी। तुम्हारी भी चाहत पूरी हुई, मेरी भी। अब मुझे थोड़ी शांति से लिखने दो। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हेलो। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। वो तुम्हारी बात है, वरना चल के जाओगे? कितना दूर है। मगर मेरे यहाँ पे और नहीं, प्लीज।
आ जाएगी ना? हाँ, एक्चुअली माथा भी थोड़ा पकड़ा हुआ है तो थोड़ी देर बाद आती हूँ। अच्छे से नहा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। दृष्टि, I'm sorry. For what? For lying to you. Anything else? कल मेघ चटर्जी के घर में था, इंटरव्यू के लिए लेट हो गया तो उसने बोला खा के जाओ। You don't have to give me any explanations, Akash. It's your personal life. I'm sorry, Brishti. तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मैं कुछ भी सोच ही नहीं पा रही हूँ आकाश। Last night was a kind of shock to me. Brishti, I mean. No, you don't. और हाँ, प्लीज रुद्र भैया को एक बार कॉल कर देना कि तुम घर लौट आए हो। Because I called him last night. दीदी ऊपर लेटी हुई है, बहुत बुखार है। आओ। तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम आओगे ही, तुम जरूर आओगे। वैसे भी आज तुम्हारे आने का दिन नहीं था। आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रॉप योर इंटरव्यू राइट नाउ। मुझसे और नहीं होता। अच्छा, You screwed my life. You really screwed my life. यहाँ आओ, आओ यहाँ मेरे पास, आओ प्लीज। इतने दूर से नहीं। मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगी? तुम क्या अंदर सोगे? नहीं, मेजनाइन फ्लोर में सोऊंगा। जानती है हेनरी की और भी प्रेमिकाएं हैं, ये स्वाभाविक है। इसके लिए वो चिंतित नहीं है। वो नहीं चाहती उसके पास हेनरी हर वक्त रहे। इससे उसका मन बहक जाता है।
उसका शरीर उसके वश में नहीं रहता। पर जिस समय हेनरी है उस वक्त वो सिर्फ उसकी है। वो पूरे वश में रखना चाहती है हेनरी को। इससे उसकी कामना की इच्छा और भी बढ़ जाती है। उसे पता है इस कामना की अंत मृत्यु है। इसके लिए वो धीरे धीरे खुद को तैयार कर रही है। मीता, मीता, ऐ लड़की, अच्छा तुझे क्या लगता है, आर दे इन लव? I don't want to know also. I can only see that we are drifting apart. Don't let this happen so easily, Brishti. Learn from my experience. इतनी आसानी से मत छोड़ देना। मैं क्या करूं बोल? मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। I know. If I ask, he won't lie. लेकिन सच सुनने के बाद I won't be able to take it. I don't know, मैं कैसे समझूंगी? I don't want to die, Rinky. तू कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सही वक्त पे मैं तुझे लेके चली आऊंगी। लेकिन लेकिन इतनी जल्दी तू भाग क्यों रही है? अच्छा मुझे एक बात बोल, उस औरत में ऐसी कौन सी बात है जो तुझ में नहीं है? मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ एक बात जानती हूं कि मैं आकाश को कभी भी कम प्यार नहीं कर सकूंगी। I can't ever hate him. I can't ever hate him. तुम जा रही हो? जाना तो मुझे चाहिए था। जो कोई भी जाए, we are not living together anymore. Isn't it enough?
बृष्टि, क्या ये पॉसिबल नहीं है फॉर समवन टू लव समवन एंड एट द सेम टाइम टू लाइक समवन एल्स? खुद की लाइन क्लियर करना चाहते हो? नहीं बृष्टि, मुझे पता है मैं तुम्हारी नजरों में बहुत गिर चुका हूं, बट आई रियली लव यू। प्लीज आकाश प्लीज, इन सब बातों का तो और कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये सब बोलकर मुझे झूठ मूठ की तसल्ली मत दो प्लीज। लिसन टू मी प्रिष्टि, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। तुम मेरे पूरे दिल में बसी हो, मुझे पता नहीं क्यों ये औरत अपनी और खींच रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई रियली डोंट नो, एंड यू नो व्हाट, यू आर राइट। दिस वूमन हैज अ invisible power of controlling me emotionally, और मैं घसीटता ही जा रहा हूँ। I really don't know what to do। तुम तो एक स्टोरी बनाने गए थे आकाश, तो फिर ये सब कब कैसे हो? मैं नहीं जानता, मैं सचमुच नहीं जानता। हाय, मुझे पता नहीं क्या है झूठ और क्या सच। आई जस्ट नीड सम टाइम एंड स्पेस। Can you give me some time? Of course. You take your time, Akash. But it's not possible for me to stay like this anymore. So better leave. क्या हुआ? तुम्हें कहा था ना तुम हर वक्त फोन ऑन रखोगे। क्या हुआ, चुप क्यों हो? आपके इंटरव्यू की और कोई जरूरत नहीं। मतलब? मतलब उस इंटरव्यू से मेरा कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है मतलब? मेरे लिए मतलब है। तुम ऐसे मुझे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। आप जो कहेंगे मुझे वही करना पड़ेगा। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ तुमको? तबीयत ठीक है ना? आप यहाँ पे क्यों आई हो? हेनरी, किसने दिया है मेरा पता? पता? मैं ही तुम्हारे पता हूँ। ये नाटक बंद कीजिए और जाइए। मेरी जरूरत अभी पूरी नहीं हुई हेनरी, तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी नहीं रहना। छोड़िए, प्लीज गो। मुझे देख के तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता? कामना नहीं जगती तुम में? आपको पता है आप पागल है? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। बस एक बार आओ मेरे घर में,
एक बार प्यार करने दो, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप प्लीज जाइए, छोड़ दीजिए मुझे। मैं जानती हूँ तुम कल आओगे, मैं जानती हूँ, मैं तुमको मेरी गुप्त जगह दिखाऊंगी। और क्या बाकी रह गया? है मेरा लिखा, मेरा उपन्यास, कभी भी मैंने तुमको नहीं दिखाया। छापने से पहले तुम्हें सिर्फ दिखा के जाना चाहती हूँ, और किसी को नहीं, किसी को नहीं। तुम्हारी प्रेमिका कहाँ है? चली गई। मेरे लिए? मेरे लिए? हो तुम ख्वाबों में मेरे, नशा ही नशा आँखों में तेरे। जिंदा हो तुम इस दिल में, छाया है जादू महफिल में। आते हो तुम है, मगर नींद भी नहीं। जिंदगी है पर खुशी और कहीं। प्यार तेरे जैसे हवा एहसास है, दिखती नहीं। हार है क्या, क्या है ये जीत, दिल में प्यार होठों पे गीत। जिंदा हूँ मैं दिल में तेरे, तुम्हारा हूँ मैं, तुम हो मेरे। आते हो तुम ख्वाबों में मेरे, नशा ही नशा आँखों में तेरे। जिंदा हो तुम इस दिल में, छाया है जादू महफिल में।
आते हो तुम। लास्ट रिक्वेस्ट, कल मेक के पास मत जाना। बोलिए। ये क्या मेक चैटर्जी का घर है? हाँ। वो कहाँ है? ऊपर। क्यों? अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रही है? अरे आप ऐसे कैसे ऊपर जा सकती है? अरे सुनिए, अरे हद है। क्या हुआ रिमिता? अरे देखो ना, मना किया फिर भी सीधा ऊपर चली आई। तू जा, मैं देखती हूँ। तुम्हें मैं पुलिस में दे सकती हूँ, पता है? कोशिश कर लीजिए, नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा साहस तो बहुत है, मेरे घर में आकर तुम मुझे ही धमका रही हो। जबरदस्ती घुसने के लिए सॉरी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। क्या चाहती हूँ? आप आकाश को छोड़ दीजिए। मतलब? आई नो यू डोंट लव हिम, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बृष्टि, बृष्टि सेन, आकाश की गर्लफ्रेंड। हम एक साथ रहते हैं, मैंने रहते थे। मुझे तुम्हारा इतिहास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप हमारी लाइफ को लेकर इस तरह खेल क्यों रही हैं? अच्छा, आकाश तो आपका सिर्फ इंटरव्यू लेने आया था। किसने बुलाई? मैंने आपकी सारी बातें कल रात सुनी थी। छुपके से? ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, तुम क्या बोलना चाहती हो, बोलो। आप प्लीज आकाश को छोड़ दीजिए, सेट हिम फ्री। आकाश को किसने बांध के रखा है? अच्छा एक बात बोलिए, आकाश तो आपसे प्यार नहीं करता, आप जानते नहीं है? प्यार के बारे में क्या जानती हो तुम? अब तक कितनों को प्यार किया है तुमने? फिलहाल तो सिर्फ एक। आपकी तरह डेस्परेट नहीं हूँ। ज्यादा भड़को मत, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मन और शरीर, इन दोनों को अलग करना सीखो, वरना तुम बहुत कष्ट पाओगे। ये सब कहानी में लिखी है, वही अच्छा लगता है। आपकी लाइफ होती तब देखती कैसी रिएक्ट करती। मैं कहानी नहीं लिखती, जिस बारे में नहीं जानते उस बारे में कहो मत। ठीक है, समझो मैंने तुम्हारे प्रेम को बहुत बार भोग किया है, अपने स्वार्थ में। उसने भी मुझे भोग किया है, इस बारे में उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? आप इस तरह बात करके बहुत मजा ले रही हो ना? बहुत। क्यों, तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है? ये तो जाहिर सी बात है ना। क्यों, बुरी क्यों लगेगी? मैंने तुम्हारे आकाश को कुछ नहीं किया, बल्कि छुआ भी नहीं। वो सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने बात की थी। तो फिर आप? मैंने भोग किया है हेनरी को, मैंने धीरे धीरे उसको तैयार किया, पहले कल्पना में, उसके बाद जब उसे एक दरवाजे में देखा, वैसे ही उसने कहा, उसका नाम आकाश है, आकाश मित्र। और मैंने सुना हेनरी, वो मेरी पसंद की कविता पढ़ रहा है। रजनीगंधा के फूल जब उसने मेरी तरफ बढ़ा दिए, मैंने उसे आने दिया, मेरे कागज में, मेरे लिखावट में। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपनी कहानी को सजाया।
तुम सुनोगे? उसे कनजाने से पल में हेनरी पता नहीं कब मेरे सामने आके बैठा। मैं तब लिख रही थी, कल रात की बात है जिसकी यादें मेरे पेट में, सीने में, शरीर के हर तरफ फैली हुई है। मैंने सिर्फ मैंने ही इस कोरे कागज पे पूरी तरह सब कुछ समर्पित कर दिया है। अच्छा तुम ही बोलो, क्या मैं ये लिख सकती थी? अगर हेनरी को मैं इन दोनों हाथों से आकर्षित नहीं करती, तुम ही कहो ना बृष्टि, मैं कर सकती थी? अगर ना हमारे दोनों शरीर एक होते, अगर ना मैं हेनरी को अपनी बाहों में लेती, मेरे दो पैर के बीच में, पेट में, शरीर में, सीने में, यहां तक के मेरे उंगलियों में, अच्छा बोलो ना, हेनरी ने क्या कभी भी तुम्हें इस तरह से प्यार किया है? थैंक यू। मन और शरीर, इन दोनों को अलग करना सीखो। मैंने तुम्हारे आकाश को कुछ नहीं किया, बल्कि छुआ भी नहीं। वो सिर्फ मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने बात की थी। मैंने भोग किया है हेनरी को, मैंने धीरे धीरे उसको तैयार किया, पहले कल्पना में, उसके बाद जब उसे एक दरवाजे में देखा, वैसे ही उसने कहा, उसका नाम आकाश है, आकाश मित्र। और मैंने सुना हेनरी, मेरे दो पैर के बीच में, पेट में, शरीर में, सीने में, यहां तक के मेरे उंगलियों में। मेघ चैटर्जी ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया आकाश, शी जस्ट यूज्ड यू। उनके अगले उपन्यास के लिए मुझे बताया है, दिखाया भी है। ओ हेनरी, पूजा में पब्लिश हो रहा है। यू नो आकाश, शी नेवर लव्ड यू, बट आई डिड। With all that I had, तुम क्या? तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? तुम्हें क्या कभी भी मेरा ख्याल नहीं आया? आकाश, सिर्फ शरीर, क्या सिर्फ शरीर तुम्हारा मन नहीं है?
दीदी ऊपर लिख रही है, दरवाजा बंद है। मुझे कुछ जरूरी काम था। हेलो, कहाँ है तू? क्यों, क्या हुआ, कुछ खबर नहीं मिली? क्या अभी तक सो रहा है? सो रहा तो क्या हुआ, क्या बोलना है बोल। डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस, तुझे कोई खबर नहीं मिली? अभी जा। कहाँ पे? मेघ चैटर्जी के घर। वी आर स्क्रूड, उसकी मौत हो गई है। व्हाट शिट। प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए।
सुंदर तुमको लोग कहते हैं, तुम सुंदर हो। पीछे के सब पेड़ से पत्ते झड़ गए, पत्ते के हरे पेड़ पे, फूल पे। कोई आया है लेने के लिए कुछ अपने हाथ पे, वो हाथ इंसान के नहीं, पास के भिखारी भी नहीं। पेड़ मांगता है अपना पानी, बादल जा रहा है बारिश, चाह के देखता है आकाश हुआ नील। पटभूमि में तुम कवि और पत्थर अकेले खड़े हो, लोहे के चेन से तुमको बांध दिया है इस शहर ने। पीछे तुम्हारे संगीत, जन्म वर्ष, मंच के ऊपर अचानक शाम की रोशनी। ये पेड़ तुमको सुंदर किया है मेरे नैनों में। पत्ते गए, फूल झड़ गए, फिर भी जिंदा है वो भी पत्थर के पास।